ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। नेत्र जांच का ये नजारा फरीदाबाद की संजय कॉलोनी का है, जहां मानव जनहित एकता परिषद द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क नेत्र जांच आयोजन में संजय कॉलोनी और साथ ही आसपास के सभी क्षेत्रों से नेत्र समस्या से जुड़े सैकड़ों मरीजों ने हिस्सा लिया और इस निशुल्क नेत्र जांच शिविर में निशुल्क मिलने वाली दवाई और चश्मे का लाभ उठाया। इस आयोजन में 395 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से 300 मरीजों को चश्मे बताए गए और 21 मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका मानव जनहित एकता परिषद द्वारा निशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। वहीं इस आयोजन को करने वाले सचिन तंवर, संजीव कुशवाहा और राजेश मदान ने सभी जरूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की अपील भी की। मोतियाबिंद का कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग कहीं जैसे इलाज नहीं करा पाते हैं, गरीब है, असहाय लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कहीं इलाज नहीं करा पाते हैं, यहाँ मुफ्त चश्मे, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त ऑपरेशन का हम लोगों ने प्रबंध किया है और फरीदाबाद में ये ऑपरेशन किए जाएंगे। अब तक कितने ऑपरेशन हैं जो आपकी संस्था द्वारा किए हैं? अभी तक 100 के करीब हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीन क्षेत्रों में हम काम करते हैं। ये आज हमारे स्कूल में जीवन नगर में स्थित जो एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल है, इसमें मानव जनहित एकता परिषद द्वारा जो है एक आँखों का निशुल्क जांच केंद्र, जांच कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे गरीब लोगों की जो है आँखें चेक की गई हैं और लगभग 300 प्लस बच्चों जो लोगों की जो है आँखें चेक की गई हैं। और उसके अलावा साथ साथ इसमें मोतियाबिंद के जो लोग हैं, जो रोगी हैं, उनका मुफ्त इलाज करवाया जाएगा और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन करने हैं वो फरीदाबाद में फ्री कराए जाएंगे। अब तक ये हम 6 कैंप लगा चुके हैं फरीदाबाद के अंदर, ये हमारा 7वां कैंप है। अब तक यहाँ 15 ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के लिए मरीज मिले हैं, जिनका ऑपरेशन फरीदाबाद में फ्री करवाया जाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर